तुलसी की सूखी लकड़ी से करें ये दिव्य उपाय, सारे काम बन जाएंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहता है, जिससे घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। घर में तुलसी का पौधा लगाकर विधिवत पूजा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई बार बदलते मौसम या फिर ठीक ढंग से रखरखाव न हो पाने के कारण तुलसी सूख जाती है। ऐसे ही आमतौर पर जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे हटाकर उस गमले में नया पौधा लगा देते हैं एवं उस सूखे तुलसी के पौधे को जल में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सूखी तुलसी का प्रयोग करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही साधारण और उत्तम प्रयोग है। इस प्रयोग से आपका घर धन धान से हमेशा भरा रहेगा, माता लक्ष्मी और विष्णु जी की हमेशा कृपा बनी रहेगी। प्रयोग को जाने उससे पहले कमेंट्स में प्यारा सा नाम जय श्री राम जरूर लिख देना। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन आपको सूखी तुलसी की 7 लकड़ी ले लेना है जिनकी लंबाई 4 या 5 इंच हो। फिर इनको एक पीले धागे में बांध लेना है। फिर आपको अपने पूजा घर के सामने एक आसन पर बैठ जाना है और देसी घी का दीपक जला लेना है। फिर इन सूखी लकड़ी को दीपक के ऊपर ये मंत्र बोलते हुए क्लॉक वाइज घुमाना है, ओम सर्व पूज्य महादेवी नमस्ते तुलसी हरि प्रिय। ऐसा आपको 7 बार करना है। ये क्रिया 7 बार करने के बाद इन लकड़ी को पीले कपड़े में लपेटकर पीले धागे से बांधकर अपने पूजा घर में रख देना है, जिससे रोज इनको धूप दीप मिलता रहे। यकीन मानिए दोस्तों, मात्र इतना करने से ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी, आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय श्री सीताराम। धन्यवाद।